अ मर्चेंट परचेस्ड 100 kg टी क्वांटिटी 100 kg एट 500 rupees प्राइस एंड 500 kg क्वांटिटी एट 1000 rupees प्राइस। अब इस क्वांटिटी इस प्राइस को और ये क्वांटिटी ये प्राइस को उसने लेकर उसको मिक्स किया है, तो कॉस्ट ऑफ मिक्सचर हम पता कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ मिक्सचर लेने के लिए हमेशा याद रखिए कि क्वांटिटी के रेशो की जरूरत होती है, हमें क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती। तो 100-500 लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन बहुत बड़े कैलकुलेशन हो गए, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, इन दोनों का रेशो ले लीजिए। रेशो आ रहा है 1:5। तो मान लो कि 500 प्राइस वाला 1 kg क्वांटिटी है और 1000 प्राइस वाला 5 kg क्वांटिटी है। तो 500 वाला 1 kg खरीदा तो 500 रुपये खर्च होंगे, और 1000 प्राइस वाला 5 kg खरीदा तो 5000 रुपये खर्च होंगे। इसका मतलब टोटल खर्चा जो उसका आ रहा है वो आ रहा है 5500 रुपये, और उसमें वो 5 और 1 6 kg तैयार कर रहा है। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर जो है वो 5500 डिवाइडेड बाय 6 है। आगे उसने बोला है, मतलब 6 kg के लिए व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस फॉर 6 kg इज इक्वल टू 5500 rupees। ठीक है, नाउ दे आर सेइंग 6 kg कहां से पता चला, क्योंकि 100-500 क्वांटिटी 1:5 के रेशियो में थी, तो मैंने इधर 1 kg और इधर 5 kg अज्यूम किया है, तो टोटल 6 kg हो गया। दिस 5500 बाय 6 इज पर केजी प्राइस। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज ही मिक्स द टू वैरायटीज एंड सोल्ड 3/4 ऑफ द क्वांटिटी एट 1000 kg। अब मिक्स करने के बाद हमारे अज्यूम्ड क्वांटिटी के हिसाब से उसके पास 6 kg क्वांटिटी है। इस 6 का 3/4 ऑफ 6 जो होता है वो होता है 4.5। अब उसने क्या किया, 6 का 3/4 मतलब 4.5 kg सेल किया 1000 के रेट से, तो उसको 4.5 kg 1000 के रेट से, मतलब ही मस्ट हैव गॉट 4500 rupees। एंड द रिमेनिंग क्वांटिटी 6 kg था, 4.5 kg ऑलरेडी सेल हुआ, मतलब रिमेनिंग क्वांटिटी है 1.5 kg। That he sold at 1200 per kg. So, उसको यहां से मिले होंगे टोटल 1800 rupees. That means the total money that he received by selling these 6 kgs is 6300 rupees. And what he invested is 5500. And what he got the return is 6300. Now they are asking him what is his profit percent. आप समझ सकते हैं, the person has invested 5500 rupees and got the total 6300 rupees back. That means he got the profit of 1800 on 5500. Sorry, he got the profit of 800 rupees. क्योंकि difference 800 का है. 800 on 5500 rupees. 5500 के ऊपर 800. 5500 के ऊपर 800. ये दो zero गए. ये दो जीरो गए, 5 से कैंसिल करोगे तो 11, ये आएगा 20, सो 20 × 8 160 बाय 11% इतना उसको प्रॉफिट होगा, 160 बाय 11%।